बेटी को ट्रोल होता देख भड़के अजय देवगन। अजय देवगन अपनी फैमिली को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव है, ये उन्होंने कई बार खुद ही इंटरव्यू में कहा है, खासकर अपनी बेटी न्यासा के लिए। न्यासा महज 16 साल की हैं और शायद यही कारण है कि उनके पिता अजय देवगन उनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं। आपको बता दें, आए दिन न्यासा ट्रॉलर्स का निशाना बनते रहती है और हमेशा उनके कपड़ों के लिए उनको ट्रॉल किया जाता है। इसी बात पर जब अजय से पूछा गया तो उन्होंने ये साफ कह दिया कि उनको किसी से भी परवाह नहीं पड़ता, उनके परिवार के लोगों को भी किसी भी ट्रॉलर्स की सोच से फर्क नहीं पड़ता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो ये करते हैं उनका माइंडसेट बकवास होता है और इसमें और हमें इस बात का असर नहीं पड़ता, हम ऐसी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते जो फेक आइडेंटिटी के में कमेंट करते रहते हैं। जहाँ देवगन फैमिली इस वक्त काफी दुखद समय से गुजर रही है, वहीं अजय देवगन ने अपने पिता को खो दिया, वहीं ट्रोलर्स उनकी बेटी को भी बार बार ट्रोल कर रहे हैं। कुछ दिन पहले न्यासा की तस्वीर उनके दोस्तों के साथ सामने आई थी तो ट्रोलर्स ने उनको काफी सुनाया था और ये तक कह दिया कि उनको फर्क नहीं पड़ता उनके दादा की मौत से। वहीं जब एक और तस्वीर वायरल हुई जहां रोती नजर आई न्यासा, उनको पब्लिक ने फेक करार दिया और उनके आंसुओं को झूठा कह दिया। आपको बता दें, न्यासा इस वक्त सिंगापुर में अपनी पढ़ाई कर रही है और अजय ने ये साफ कह दिया है कि उनकी बेटी को बॉलीवुड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और उनके बेटे इस वक्त काफी ज्यादा छोटे हैं। न्यासा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लाइमलाइट से दूर रहने की, मगर हर वक्त कहीं ना कहीं से वो चर्चा में जरूर बनी रहती है। नेक्स्ट 9 न्यूज से सवेरा की रिपोर्ट।